मीडिया में भी ऐसा नहीं है कि 100% लोग हैं। अब गोदी मीडिया आप जानते हो बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो गया है। अब गोदी मीडिया कौन है इसको डिफाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। NDTV को किसी ने खरीद लिया, क्यों खरीद लिया? क्योंकि वहाँ पे एक रवीश एक रिपोर्टर है जो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, जो बहुत आगे बढ़ के बताते हैं कि गवर्नमेंट ने कहाँ गलती की है और कहाँ अच्छा किया है। अब उनको TV खरीद कर और बाहर कर दिया और ये फोर्स किया कि वो रेजिग्नेशन दे के चले जाए और रिजाइन कर दिया उन्होंने। वो एक अच्छा काम कर रहे थे। अगर सभी लोग बगैर क्रिटिसिज्म के गवर्नमेंट की कोई बात नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस देश को आगे बढ़ाना। किस तरह से आज दिल्ली में प्रोग्राम हुआ WGI का, यानी के वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, किस तरह से नरेंद्र भंडारी जी ने इन सभी को जोड़ा अपने 5 साल के कार्यकाल में। न्यूज FK में आपका स्वागत है। पत्रकार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। पत्रकार साथियों, आज का जो हमारे यूनियन के गठन को 6 साल पूरे होने को आ गए हैं, आज हम लोगों ने जो है महाधिवेशन किया, नई टीम की जो है यहाँ पर जो है घोषणा हुई है और इसके अलावा हम लोगों ने WGI मीडिया रत्न अवार्ड दिया। ये अवार्ड हम हर साल देंगे पत्रकारों को। आज लोग ये पूछते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, किनको अवार्ड दिया गया। बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो तो 5 स्टार में अवार्ड लेते हैं, तो आज हमने कहा कि एक आम जगह को चुना जाए जहाँ के आम पत्रकारों को अवार्ड दिया जाए। तो आज हम दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम से, तो वहाँ पर हम लोग जो ये सम्मान दे रहे हैं। आज जो सम्मान दिया गया, करीब 210 के करीब पत्रकारों को हमने सम्मान दिया। इसमें प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो ब्रॉडकास्टर, सारे वर्ग के पत्रकार थे और वो आम पत्रकार थे। बड़े मीडिया घरानों के जो पत्रकार हैं उनके लिए हम लोग जो लड़ते हैं, आवाज़ उनकी भी उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन हमारी जो मेन जो लड़ाई है, जो मेन जंग है, वो आम पत्रकार, देश के आम पत्रकार के लिए, जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये सारा जो आज हम इस मुकाम में पहुंचे हैं, इस मुकाम में पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान हमारी टीम का रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी जी का रहा है, उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय जी, विजय तोगा जी, संजय सक्सेना जी, मन्ना जी, सारे हमारी एक टीम है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये छोटे लोगों की सोच है। महात्मा गांधी यहाँ के पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं, इसलिए सबको जैसे अपनी फैमिली में अपने फादर का एहतराम करना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी पूरे देश में करना चाहिए। और इस देश में सारी तरह के लोग हैं, सभी को आज़ादी है बोलने की, और जितना लोग बोलेंगे, जितना लोग आगे आएंगे, जितना लोग क्रिटिसाइज करेंगे, गवर्नमेंट बगैर क्रिटिसिज्म के तरक्की कर ही नहीं सकती। कि गवर्नमेंट का अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा, उनको ये पता नहीं लगेगा कि उनकी गलतियाँ क्या हैं, तो वो कभी सुधार नहीं सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म जो कर सकते हैं वो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, और वो पढ़े लिखा तबका है, या तो वो एडवोकेट्स हैं या आप लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो इस बात को उठा सकते हैं, गवर्नमेंट को ये बता सकते हैं वो कहाँ पर गलती कर रही है। आपको अपनी गलती का पता ही नहीं लगेगा कि गलती कहाँ पर हो रही है। अगर ये गलती बताएंगे नहीं जर्नलिस्ट, ये जितने भी पत्रकार लोग हैं, ये नहीं बताएंगे, कोई भी मीडिया हो, अगर ये नहीं बताएगा तो गवर्नमेंट तरक्की नहीं कर सकती, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो सकती, इस देश में प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को लिबर्टी दें, जितना मैक्सिमम लिबर्टी दे सकते हैं, जितना कॉन्स्टिट्यूशन में उनका राइट है वो सब दें, ये क्रिटिसिज्म सुनने की आदत डालें, ये तभी देश तरक्की करेगा, अदरवाइज़ ये पीछे को लौटेगा। अभी लोगों को पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर गलती हो रही है और कहाँ पर हम लोग लैकिंग कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है मीडिया को बगैर किसी उसके आगे बढ़ाएं, उनको फैसिलिटेट करें, उनको फैसिलिटीज दें। सर, मेरा सवाल ये है आपसे, नई कमेटी बनी है, किस तरह से आप लोगों के पास फ्यूचर प्लान है मीडिया को लेकर, और आने वाली जनरेशन जो मास मीडिया करती है कंप्लीट, तो उसके लिए क्या? देखिए, एसोसिएशन बनी है, उसने एसोसिएशन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया हुआ है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो क्या करेंगे फ्यूचर में। जो अभी नई कमेटी बनी है, उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट को ये लिखेंगे कि उनको थोड़ा फैसिलिटेट करें, उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करें, उनको इस तरह से अचानक जेल में ना डाल दें अगर कोई गलत कहता है तो, उनको करेक्ट करें, उनको सुने, ये काम इस एसोसिएशन का होगा। पिछले 5 साल में कार्यकाल भंडारी जी के पूरे हुए जी, क्या यादगार नहीं उसमें? एक तो यही, उन्होंने जो काम किया कोविड में, कोविड का आप हालत जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत प्रॉब्लम रही,
कोविड में जो उन्होंने अपने जर्नलिस्ट के लिए एटलिस्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि अब ये देखें, मैंने बजट देखा था उनका 2 लाख 2.5 लाख बजट, ये बहुत कम बजट है। इसमें कुछ एसोसिएशन को, कुछ बड़े लोगों को, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो फालतू में लोगों को भड़काने के लिए काम करते हैं, वो ऐसी एसोसिएशन को डालें, उनको आगे बढ़ाएं, उनका वेलफेयर करें, और इस तरह से आगे बढ़ के लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना परिवार चला सकें। आजकल जर्नलिस्ट का, जैसे एडवोकेट से नया आता है, उसके पास कोई ब्रीफ नहीं होता, उसको घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी अगर अचानक डेथ हो जाए तो क्या होगा? तो ये सब जर्नलिस्ट को, ये बहुत ज़रूरी है कि उनके वेलफेयर के लिए कोई काम बनाया जाए, उनको इंश्योरेंस दी जाए, उनको कोई फैसिलिटेट किया जाए कि वो अगर अनटाइमली किसी की डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे। तो ये तरह की पॉलिसीज अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है एसोसिएशन ने, तो ये देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होते हैं। देखिए, ये असल में क्या है कि ये अपने उससे नहीं चल रहे, ये कहीं से इनको एडवाइस होती कि इन लोगों को पकड़ के इनकी आवाज़ बंद करने के लिए जरूरी के उठा के बंद कर दो, तो वो उठाते और बंद कर देते। उनकी अपनी अकल कुछ नहीं है, उनका अपना रुतबा खत्म हो चुका है, वो एडवाइस पे काम करते हैं, और ये बहुत गलत है, ये अभी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, लाइफ बहुत छोटी है, हम लोग सब जिंदा हैं इस सोसाइटी में, हम लोग चल रहे हैं, एक दिन हम नहीं होंगे। इसलिए हर आदमी को आदमी समझना चाहिए, और जनरली जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको खास तौर से इज्जत देनी चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कंट्री के लिए। और इस तरह के आवाज़ बंद करने के लिए ये फार्मूले अपनाना, ये बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और दिस इज नॉट फेयर। सर, हमने इसलिए आपके कान में डाली ये बात क्योंकि मैं 353 के अंदर मैं ये बहुत बड़ा केस झेल रहा हूँ। सर, ये जो महानगर पालिका ने मेरी दुकान तोड़ दी थी पिछले 25 साल पुरानी, जब हमने उनको कहा कि हमारी दुकान क्यों तोड़ रहे हो, तो हटिए बाजू हट जाइए, अच्छा हुआ मेरे पास पूरे वीडियोस वगैरह थे, वरना ये बहुत और तुरंत 353 में जाके कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं करती है तो पुलिस के लिए दो शब्द बोलती है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो पुलिस है वो भी एक ह्यूमन बींग है, कल को वो रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद, वो भी इसी सोसाइटी में रहेंगे, उनके बच्चे भी इसी सोसाइटी में रहेंगे। आज जो कुछ कर रहे हैं वो, जो कुछ गलत कर रहे हैं वो कल को उनके सामने भी आएगा, ऐसा नहीं है कि उनके सामने नहीं आएगा। इसलिए हर आदमी को पहले इंसान समझो, उसको ह्यूमन बींग समझो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो, और तब जो लीगली है, कानूनी तौर पर अगर उसको गलत किया है, अंदर डालना तो डाल सकते हो, बिल्कुल डालो, किसी गलत आदमी को ना रखो आप बिल्कुल भी, लेकिन किसी शरीफ आदमी को आप डालोगे तो कल को आपको भी भुगतना पड़ेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।